जब भी हम दूध बॉईल करते हैं, आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे जो फ्लेम को है मैंने बढ़ा दिया है थोड़ा सा मीडियम पे और दूध हमारा ऊपर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हल्का सा इस तरीके से हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और जस्ट इस तरीके से आप 2 से 3 बार बहुत हल्का हल्का पानी का छींटा मार दें और इससे आप देखेंगे कि आपका जो दूध है बार बार ये ऊपर नहीं आएगा बॉईल होके। कई बार होता है कि हम, अब आप देख सकते हैं कि हमने जब पानी का छींटा मारा था तो ये काफ़ी हद तक जो हमारा दूध है नीचे बैठ गया है। अब ये धीरे धीरे बॉईल होता रहेगा तो आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी मिनट आप दूध को बॉईल करते हैं आप इसको आराम से बॉईल कर सकते हैं और अपना कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं बिना दूध को देखे। ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अभी दूध बॉईल किया था और दूध को अभी मिक्स किया है तो ये जो स्पून है, आप कई बार हम क्या कर देते हैं कि इस तरीके से हम प्लेटफॉर्म पे ही रख देते हैं या हम जो भी इस तरीके से हम जो अपना गैस स्टोव यूज़ करते हैं उसी के ऊपर हम यहाँ पर रख दिया करते हैं चम्मच। तो आप इस तरीके से ना किया करें, जब भी आप कोई छोटा स्पून यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप एक छोटी सी प्लेट इसके नीचे रख दीजिए और इसे बिना इस तरीके से नीचे आप प्लेटफॉर्म पे मत रखा करिए, इस तरीके से आप इसके नीचे एक प्लेट रख लीजिए। और जब भी हम कुछ सब्ज़ी बना रहे हैं अगर आपने बड़ा स्पून यूज़ कर रहे हैं आप तो इसके नीचे एक बड़ी प्लेट रख लीजिए तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप एक जगह ही अपने सारे स्पून्स को या बड़े चम्मच को रख सकते हैं और नीचे आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता है। इस तरीके से आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी नीट एंड टाइडी रहता है, आपको बार बार पोंछना भी नहीं पड़ेगा। जब भी हम कोई मसालेदार सब्ज़ी बनाते हैं या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हम मसाले में एक अच्छा सा कलर आए उसके लिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ऑलरेडी गरम कर लिया है और इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, आई होप आपको दिख रहा हो ऑयल। और ये ऑयल अच्छी तरीके से अभी गर्म हो चुका है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे ये शक्कर, ये 1/4 टीस्पून शक्कर है। अब इसी स्टेज पर इसमें आप शक्कर डाल दीजिए इस तरह से और हल्का सा मेल्ट होने दीजिए शक्कर को। उसके बाद ही हम इसके अंदर ये जो मैंने मसाला है, सब्जी का मसाला ऑलरेडी मैंने पीस के रखा हुआ है, इसमें मैं डालूंगी और उसके बाद अब भूनूंगी। ये शक्कर देखिए आप अच्छे से मेल्ट हो चुकी है ऑयल के अंदर। अब बहुत ही धीरे से आप इसके अंदर मसाला डाल दीजिए और जो भी आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, चाहो तो आप प्याज डाल दीजिए, ज़ीरा डाल दीजिए, इसी तरीके से आप अपनी सब्ज़ी बना सकते हैं। इससे सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रेवी में कलर आता है। जब भी हम कुकर में दाल को बॉईल करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है जब भी इसकी जब सीटी बजती है, विसल जब भी बजती है तो जो पानी है वो कई बार हो जाता है फैल जाता है और हमारा जो भी हम बना रहे हैं खाना दूसरी तरफ और कई बार पानी जो है इस तरीके से छींटे पड़ जाते हैं गैस स्टोव पे। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। तो ये मैंने लिया है मूंग की दाल और इसमें मैंने सिंपल बस हल्दी और गार्लिक ये सब ऐड किया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कोई भी आप कुकिंग ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो दाल है अच्छे से कुक हो जाएगी और पानी के जो छींटे हैं जब भी सीटी आती है दाल से तो पानी के छींटे फैलते नहीं हैं। नेक्स्ट टिप है, मैं आपको बता रही हूँ ये कच्चा केले के बारे में। जो ये कच्चा केला है और कच्चा केला ये मैंने ऑलरेडी पील करके यहाँ पे रखा हुआ है। जब भी हम कच्चे केले की सब्ज़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मैंने बीच से काटा है, एक अजीब सा चिपचिपाहट होता है कच्चे केले में और ये बहुत ही आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एक कालापन छोड़ता है। हम इसे जब अभी मैं कट भी करूँगी तो हमारे हाथ में भी जो कच्चा केला है एक कालापन छोड़ देता है, तो उसे किस तरीके से हटाया जाए वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कच्चे केले अच्छे से क्यूब में काट लिए हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी लिया हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक, इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इस पानी के अंदर आप इन कच्चे केलों को कम से कम 15 से 20 मिनट तक का आप इसे भिगो के रख दीजिए। अब जब 15-20 मिनट बाद इस केलों को, इन जो केले के जो मैंने क्यूब्स काटे हैं, आप जैसा भी काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं, आप जब देखेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर आपको नज़र आएगी, जो केले का जो छोटा सा जो एक चिपचिपापन होता है वो आपको पूरी इससे
हट जाएगी। 15-20 मिनट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे कच्चे केले को सोक करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से अलग कर रही हूँ इसे पानी को केले के साथ, तो आप देख सकते हैं कि एक अलग ही लेयर पानी के साथ एक डार्क येलो हल्दी का कलर में अलग से दिख रही है। तो यही चीज़ हमें कच्चे केले से अलग करनी है। तो अब आप क्या करें कि 2 से 4 बार आप अच्छे तरीके से इस कच्चे केले को आप रेगुलर प्लेन वाटर से आप धो लीजिए और उसके बाद आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। और जब भी हम ये कच्चे केले को काट लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपके हाथ बहुत ही थोड़े से ऐसे स्टिकी से आपको फील होंगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ, आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए अपने हाथ में इस तरीके से और इसको अपने हाथ में इस तरीके से रब कर लीजिए और रब करके आप अपने हाथों को पानी से, साफ पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से आप देख सकते हैं जो पूरा कालापन है और जो चिपचिपाहट है वो आसानी से आपके हाथों से निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने दाल लिया है और दाल में कई बार अभी जैसे मॉनसून सीज़न चल रहा है तो कई बार हो जाता है कि इसमें जो छोटी छोटी हो जाती है घुन लग जाती है या कुछ कीड़े चले जाते हैं इस तरीके से जो हो जाती है, ये मॉनसून सीज़न में अक्सर हो जाता है हमारे साथ, तो उसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ जिस डब्बे में भी आप दाल रखते हैं, ये वो डब्बा है, ऐसे कोई भी डब्बा जिसमें भी आप रखते हों तो इसके अंदर आप इस तरीके से 2 से 3 तेज़पत्ता ले लीजिए और सबसे पहले तो इस तरीके से आप अंदर रख दीजिए एक पत्ते को और ऐसे साइड में रख दीजिए इस तरीके से, अंदर बस तेज़पत्ते को आप दाल के डब्बे के अंदर डाल दीजिए, इससे आपके दाल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगी, तो इससे आपकी दाल बिल्कुल मानसून सीज़न में फ्रेश रहेगी और बिल्कुल कीड़े कोई भी इसमें नहीं लगेंगे। नेक्स्ट किचन टिप मैं आपको बता रही हूँ, जब छोटा मोटा जो भी अगर हमारे हाथ में खाना बनाते टाइम कभी कभी जल जाया करता है और या तो फिर कभी कभी हो जाता है कि हमको बर्तन, कभी कोई गर्म बर्तन हमारे हाथ में कभी भी लग जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, तो ये मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया हुआ है। तो आप एक इस तरीके से जहाँ भी आपको जला है, जहाँ भी जिस पोर्शन भी आपको हाथ में कहीं भी या उंगली में आपका जो है अगर बर्न हो गया है, जल गया है, तो उस जगह पे आप इस तरीके से थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए और ऐसे इस तरीके से आप पूरा वहाँ पे लगा लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप है, आप कुछ ही देर में देखेंगे आपको, अगर मैं बिल्कुल थोड़े से जलने की बात कर रही हूँ, अगर ज़्यादा जला हुआ है तो आप बिल्कुल डॉक्टर को दिखाइए। आप इस तरीके से उतनी जगह में थोड़ा बहुत जहाँ भी आपको जल गया है हाथ में या उंगली में, आप इस तरीके से एलोवेरा जेल लगा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप है, आप कुछ ही देर में देखेंगे आपके हाथों से जलन कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे जो रेड मार्क्स जो आफ्टर बर्निंग जो हो जाती है वो सब भी आपके हाथ में नहीं आएगी। ये एक बहुत ही अच्छा टिप है, आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ कि हम चींटियों से किस तरीके से शक्कर के डब्बे को हम बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मेरा डब्बा है शक्कर, इसमें मैं रखती हूँ और इस डब्बे के अंदर मैं 4 से 5 इस तरीके से लौंग लेके मैं डाल दूँगी और हल्का सा ऐसे बस आप इसमें मिक्स कर दीजिए लौंग को, और लौंग की वजह से, लौंग की जो तेज़ जो फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, उसकी वजह से इसमें चींटियाँ नहीं आएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है, आप इस तरीके से अपने शक्कर को रख सकते हैं। अब आप ढक्कन लगा के इसी तरीके से शक्कर को आप पैक करके रख दीजिए, इसमें बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं लगेगी। नेक्स्ट किचन टिप मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम आलू को जल्दी से बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर में आलू ले लिया है और इसके अंदर अब मैं जितना भी पानी आप डाल के बॉईल करते हैं, यहाँ मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया, और अब हमें लेना है 1/2 नींबू हमें चाहिए है, और इस तरीके से आप नींबू के रस को इस आलू में अच्छी तरीके से स्क्वीज कर दीजिए और इसे हम अब पकाएंगे।
अब आप देखेंगे कि हमारे आलू बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको जल्दी से आलू बॉईल करने का तरीका बताया। अब इसी तरीके से जो स्वीट पोटैटो होता है, जो हम शक्करकंद जिसे बोलते हैं, उसे भी आप इसी तरीके से नींबू का रस, इसमें आप आधा नींबू का रस ले लीजिए और डाल दीजिए कुकर में, तो हमारे स्वीट पोटैटो जो है वो भी बहुत ही जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन किचन टिप्स को आप अपने किचन में, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।